जाती है उसकी गाड़ी। ये हैवी ड्राइवर है, ये भी रगड़ती होती है अभी गाड़ी। पॉइंट ब्रेक डाउन हो गया तो देखो सारी गाड़ियाँ हमारी लाइन से लगी हैं। शिफ्ट कर रहे हैं हमारे राम भैया, इस टाइप से हम लोग मिल के पियेंगे अभी। काम वाम के अत्यधिक राम तो बाद में देखेंगे, पहले पियेंगे चाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ हमारे लेनोव के प्लांट पे हूँ। ये हमारा हॉट मिक्स प्लांट है और यहाँ हो गया है थोड़ा सा ब्रेकडाउन। तो आज की वीडियो में बताऊँगा इसका लोड सेल कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ एग्रीगेट का जो लोड सेल रहता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो कितना परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट लिया जाता है वो ले ही नहीं रहा है एग्रीगेट। तो आज हमारे इंजीनियर साहब और हमारे प्लांट ऑपरेटर, हमारी पूरी जो DBM की जो टीम है वो लगी हुई उसमें, और मैं भी अभी साइड से छोड़ के सीधे आया हूँ प्लांट पे। तो देखते हैं आज के वीडियो में प्लांट पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और क्या अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लांट पे, मैं आपको इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। हमारी पूरी टीम लगी हुई तो है, सब लोग लगे हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। कल शाम को ही प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद चला ही नहीं। DG कंटिन्यू हमारा जाली चालू है, बहुत तेल खाता है। चलो दोस्तों चलते हैं ऊपर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इस टाइप की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। आप चार फ्लोर वाला है ये, बस ये प्लांट पे यही दिक्कत है, पूरा काला पीला रहता है। काम ही हमारा काले का है। इसमें ये जो आप ये लोड सेल दिख रहे हैं ये लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुआ है एक, एक लगा हुआ है ये, इस टाइप से चार। इसका हॉट मिल का ऊपर और दिखाता हूँ, हमारे औजार मल्टीमीटर वगैरह लगे। इसको खोल के चेक कर लिया पूरा, वायरिंग वायरिंग खुली पड़ी है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक लग रहा है यहाँ पे। इसके लोड सेल के प्लेट प्लेट बार बार खोल खोल के देख रहे हैं, अभी प्लांट के ऊपर हमने अपना DG है और यहाँ पे एग्रीगेट भी शिफ्टिंग होती जा रही है, क्रशर अपना चालू है। दोस्तों अभी आए हम ऊपर प्लांट पे, यहाँ पर आ गया हमारा डीजल का टैंकर, डीजल भी ले लेते हैं DG में। प्लांट ब्रेकडाउन हो गया तो देखो सारी गाड़ियाँ हमारी लाइन से लगी हैं, 3, 4, 5 ये खड़ी है, 6 और एक सातवीं गाड़ी ये खड़ी है। छोटा सा प्रॉब्लम है पर दिक्कत कितनी बड़ी हो गई है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कैंप का आप ओवरव्यू ले लीजिए, सामने हमारा कैंप है और ये जो हमारा हॉट मिक्स प्लांट है पीछे है, सामने हमारा RMC प्लांट दिख रहा है। प्रेशर लगा हुआ सामने हमारा कॉलोनी है, स्टाफ के लिए वो है। अभी हमें सामने खड़ी है भैया अपनी गाड़ी छाँव में, ये चल रहा है इसका प्लांट का हमारा काम। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम हुआ है, इसका जो ये लोड सेल होते हैं ना, इसका एक बोल्ट टूट गया हमारा, जो लोड सेल होते हैं इसका एक बोल्ट टूटा है। ये इसका स्टेज का ये बोल्ट होता है, ये टूट गया है। इसके अंदर एक बॉल लगा हुआ था, गोल वाला, वो इसमें कनेक्ट रहता है, वो टूट गया है। इसके कारण देखो कैसी प्रॉब्लम हुई, वो टूटा ऐसा कि उसका कैलिब्रेशन आउट कर दिया, कैलिब्रेशन आउट कर दिया तो अब ये कुछ भी शो नहीं कर रहा डिस्प्ले पे कि कितना एग्रीगेट जाएगा। ये एग्रीगेट के ही हैं जो आप देख रहे हैं, ये तो इस टाइप के चार लगे होते, दो यहाँ लगे हुए, दो आगे लगे हुए, बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया है। सुबह से हमने आज 8 ही गाड़ी भर पाई है और मेंटेनेंस में मेंटेनेंस करने लगे हुए हैं।
आज सुबह भी सुबह का जो टाइम था तो हमारा एग्जॉस्ट फैन का बैलेंस बिगड़ गया। अभी ये दूसरी समस्या है, हमारे राहुल भाई लगे हुए काम पे। राहुल भाई यूट्यूब पे जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। कर दी इसकी वायरिंग, चेक कर रहे हैं इसको एक बार। इसमें करंट है अभी नहीं, बंद किया, अभी भी सप्लाई नहीं रहती है। साइड देख लो भाई, अपना डीजी है और देखो डीजल डालते हैं भाई। इसका माइलेज मत पूछना, 40 भी खा लेता, कभी 45 भी खा लेता, इसका माइलेज कोई भरोसा नहीं, कभी 35 भी दे देता, डिपेंड करता लोड पे। अगर आपके हीटर ज़्यादा चल रहे हैं, एक टंकी आपकी गर्म है, आप लगातार उससे दूसरी टंकी भी आप बिटुमेन की गर्म कर रहे हैं, तो फिर लोड तो लगेगा, क्योंकि हीटर बहुत लाइट खींचते हैं। इधर की साइड ये अपना एग्रीगेट का हुआ है, एग्रीगेट रखी हुई है, सामने ऊपर देख रहे हैं दोस्तों। ये जो आइटम आप देख रहे हैं, ये जो ये बैग हाउस है, ये बैग हाउस का काम क्या होता है, जितना भी जो आपका डस्ट में डस्ट एग्रीगेट में जो भी फिलर टाइप का होता है, बारीक डस्ट बोलते हैं पाउडर, वो आपके एटमोसफियर को ख़राब ना करे, इसलिए इसमें बैग हाउस लगा हुआ रहता है। और वो उसमें फ़िल्टर बैग रहते हैं, वो फ़िल्टर बैग सारा ये जो डस्ट होता है, जो फिलर बोलते हैं, बारीक एग्रीगेट के बारीक जो कण बोलते हैं, उनको इसमें स्टोर कर देता है। और यहाँ से जो पाइपलाइन लगी है, ये पाइपलाइन यहाँ से होते हुए सीधे जाता है इसमें। ये जो नीचे आप ये गड्ढा दिख रहे हैं, इसके अंदर इसमें पानी भरा हुआ है, उसी के अंदर खाली हो जाता है। जब ये पानी मिक्स हो जाता है तो ये उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है तो फिर ये इस टाइप से हम बाहर जेसीबी से अनलोड कर देते हैं, बाद में इसको बाहर फेंक देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस प्लांट की, आजकल हर प्लांट में आने लग गई चीज़, और ये ज़रूरी भी है एज पर जो प्रदूषण विभाग जो होता है आपका, वहाँ से सर्टिफाइड होता है हर चीज़, इससे आपका जो एटमॉस्फेयर साफ रहता है। ये चीज़ तो अच्छी चीज़ है। और तो इधर की साइड में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये चार यहाँ पे आपका एग्रीगेट का कैलिब्रेशन होता है पूरा, कितने किलो एग्रीगेट पर बैच में लेनी हो उतनी ही लेगी। और उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है इसका मिक्सर, नीचे की तरफ ये मिक्सर है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, इसमें ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये है इसकी सीमेंट और फिलर। अगर आप मिक्स में कितना केजी सीमेंट लेना है, जब पीसी चलती तो सीमेंट लेते हैं, पीसी नहीं चलती तो हम फिलर लेते हैं कुछ केजी, वो यहीं से लेते हैं। और एक टैंक और दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें वो विटामिन का टैंक रहता है, भैया डीजल डाल के जाती है उसकी गाड़ी। ये हैवी ड्राइवर है, ये भी रगड़ती होती है अभी गाड़ी लोडर में, चाहे हमारे ड्राइवर लोग सारे परेशान घूमते हुए इधर उधर, प्लांट बंद है, गाड़ियां लाइन से लगी हैं, छांव ढूंढ रहे हैं बेचारे। ये कहाँ जा रहा, ये कहाँ जा रहा भाई? यार प्लांट पे आने का, कभी ऊपर करने का मन इसलिए नहीं करता, देखो जहाँ हाथ रखो वहीं ग्रीस है, कहीं ऑयल है तो चलता फिरता है, डामर का काम ही काला है, जहाँ हाथ रख दो वहीं काला। देखो धोखे में मेरी शर्ट वगैरह दो तीन जगह होगी ख़राब, अब काम ही हम धूल मिट्टी का कर रहे हैं तो काले पीले तो होंगे। चलो चलते नीचे देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या चल रहा है। भैया भाई ये देख लो, अपना बॉयलर है यहाँ, तो विटामिन के टैंक है उधर, ये एफओ का टैंक है, दो एफओ के टैंक है, दो विटामिन के टैंक है, ये बॉयलर है, ये जो यूनिट है यही विटामिन को, एफओ को, पाइपलाइन को, सबको गर्म करने का यही यूनिट काम करती है। ये दोस्तों एग्रीगेट के डंपर भी आते जाते हैं साथ साथ में, क्रशर हमारा यहाँ बाजू में, ये सामने क्रशर है, तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा क्रशर है, एक्सेवेटर लगी है, यहाँ से भर रही हैं, और ये भैया हमारे डंपर आ गए। अनिल वारामसे हमारे हैवी ड्राइवर हैं भैया,
दोस्तों थोड़ा मूड ऑफ है यार, काम कुछ चला नहीं, 8 लोड निकले प्लांट्स, दोपहर से ब्रेकडाउन है। लगता है आज प्लांट को हमारी नज़र लग गई किसी की। ये नज़दीक में इसके ऑफर हैं, इसका बेल्ट है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसका वीडियो मैंने बनाया है, आपको आप देख सकते हैं, मेरे पेज पे जाके देख लीजिए। भाई इस काम में धूल बहुत उड़ती है, प्लांट जब भी आओ आप मुंह काला हो जाता है, हाथ पाँव धोने होने, जहाँ देखो वहीं ग्रीस, जहाँ देखो वहीं ग्रीस वगैरह डस्ट। चलो दोस्तों आ गई चाय, अरे हमारे ड्राइवर भाई साहब, सब लोग पहले पीते हैं चाय, उसके बाद करते हैं उसको। चलो दोस्तों अब पीते चाय भाई, आ गई हमारी चाय, सारे लोग मिल के पियेंगे, अभी काम वाम के ऐतिहासिक राम तो बाद में देखेंगे, पहले पियेंगे चाय। ये हमारे दोस्त लोग सब, हमारी टीम वाले बंदे, दोस्तों एक चीज़ दिखाऊं, जब भी प्लांट पे आओ ये हालत होती, देखो देखो दूर, ये कोई कहेगा ये मेरी गाड़ी, अत्यानाथ ऊपर से देखो, ये जो फिलर उड़ता है ना कभी कभी, यहाँ प्लांट की जो डस्ट उड़ती है बहुत दूर उड़ती है, सर गाड़ी का क्या सत्यानाश हुआ। चलो दोस्तों बस सोता, गाड़ियाँ थोड़ी भेज दी हैं एग्रीगेट शिफ्टिंग करने के लिए, यहाँ ज़बरदस्ती खड़ी थी प्लांट में, मेरे को लगता है लगेगा आधा एक घंटा तो और लगेगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम, हर चीज़ खोल खोल के देख लिए, और देखते हुए हमारे इंजीनियर साहब राहुल और प्लांट ऑपरेटर हमारी टीम पूरी देखते हुए, बाकी देखते हैं। अभी ये 2-4 गाड़ियाँ भेज दी अपन ने एग्रीगेट शिफ्टिंग करने के लिए, सामने चल रही एक्सेवेटर तो तुरंत हो जाएगा शिफ्टिंग, ये वही हमारा एक्सॉट का लोडर है, ये इसके पार्ट्स नहीं मिलते भैया, ये भी दूसरी मान हो रही है, ये भी तो चलते हैं इसके केबिन में, देखते हैं अंदर का क्या हाल है। मैं देख लो भैया पूरा केबिन खुला हुआ पड़ा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो गया वो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0-0 होनी चाहिए, वो बढ़ती जा रही है, कम के कम होती जा रही, यही इसका प्रॉब्लम है। क्या मैं राहुल भाई लगे हुए हैं दोस्तों, अभी टाइम लगने वाला है तो कर दिया डीजी थोड़ी देर के लिए बंद, और देखते हैं इसका सेटिंग मिला रहे हैं अभी, ऊपर लगे हैं सब लोग। भैया गाड़ियों की लाइन लगी है यार, ड्राइवर भी बेचारे हमारे परेशान हो रहे हैं, प्लांट बंद है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो जाएगा तो फिर गाड़ी एक बार साइड पे निकल जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा आने में टाइम। इधर दोस्तों ये जो फिलर है, जो ये फिलर का जो टैंक है वो तो पानी भरा हुआ है, हमने थोड़ा सा फिलर खाली किया, तो बाद में हम लोग निकाल देते हैं, कुछ शिफ्ट कर रहे हैं हमारे राम भैया, इस टाइप से हम JCB से या एक्सेवेटर से निकाल देते हैं, बाद में यहाँ से हमें लोडर से इसको शिफ्ट करना पड़ता है, साइड में फेंक देंगे इसको, अभी काम है नहीं लोडर को तो यही काम करा लो कम से कम। चलो मेरा दिल कर रहा है कि गाड़ी अभी मैं अपन भेज देते हैं साइडों पे, कि अभी तो टाइम लगने वाला है काफ़ी। भाई अभी कर दिया प्लांट थोड़े दिन बंद, DG भी कर दिया हमने बंद यार, ज़बरदस्ती का डीजल फूंक रहे थे, और अभी देखो उसकी सेटिंग कर रहे हैं एक बार फिर से, एक बार सेटिंग मिला रहे हैं पूरी, तो उसमें लगेगा 1-1.5 घंटा। तो अभी का वीडियो तो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो काम हो जाएगा सक्सेसफुल तो उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्लांट को रनिंग कंडीशन में कि हमने क्या किया, क्या कैसे ठीक हुआ, मुझे तो लग रहा है आज का पूरा दिन हमारा फिर से वेस्ट होने वाला है। तो बने रहिए अगले पार्ट में मेरे साथ, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो
दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।